मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर 2 दर्जन से अधिक बछड़ों को कंटेनर ट्रक में लादकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। ग्राम बेगमपुर के समीप खड़े कंटेनर को जब पुलिस ने घेरा तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। बता दें कि लंबे अरसे से मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के गोवंश की तादाद लगातार कम होती जा रही थी, जिसकी पुलिस को भी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। तो ये ट्रक लेकर भागने लगे। इंस्पेक्टर कुर्रा द्वारा उनका पीछा किया तो इनके द्वारा जान से मारने से फायर किया गया, तो बल प्रयोग करते हुए इनको तीनों गिरफ्तार किया गया है। और जब उसको चेक किया गया है ट्रक को, कंटेनर को, तो उसमें 20 जो है गोवंश लदे पाए गए हैं। तीनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये मूल रूप से 1 रामपुर का रहने वाला है और 2 जो है ये मूड़ा पांडे थाना मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये गोवंश की तस्करी करके बिहार और बंगाल ले जाते हैं, उसी क्रम में ये ट्रक ले जा रहा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।